हमारे गोवा को आजादी मिलकर आज 50 साल पूरे हो गए हैं, लेकिन हमारे गोवा के आदिवासियों को अभी तक मूलभूत हक का मूलभूत अधिकार नहीं मिले हैं। इनके कारण गोवा के आदिवासी अलग अलग तरीके के आंदोलन कर रहे हैं, और जो लोग आंदोलन करते हैं अधिकार के लिए आवाज उठाते हैं, उन्हीं लोगों को दबाता है और दमन किया जाता है। हाल में हमारे ऐसे ही दो आदिवासी नेताओं की हत्या की गई है। जो जो 40 वर्षांच्या संघर्षानंतर ह्या तीन जमातीक 2003 सालांक शेड्यूल ट्राइब्साचो स्टेटस मेळ्ळो, आणि ताज्या उपरांत आमकां दिसतालें की घटनेच्या चाकोरीक आमी आयिल्ले आसा आणि आमचो विकास आज कोण आडोवपाक शकना अशें दिसतालें। आणि त्यामुळे 8000 लोक जेन्ना रस्त्यार येऊन बसले आणि ह्या लोकांच्या समोर ह्या आंदोलनाच्या समोर सरकाराक सुखचेच पडलें, आणि ताजे उपरांत जे आसा ते सादारणशे पहिल्या फेजीन की सरकाराक की 7 वर्षांच्यो ज्यो संघर्ष चालू केल्लो त्यो मागण्यो केवळ 2 वरांच्या बैठकीक मान्य करच्यो पडल्यो, हे सगळी ही सत्यस्थिती आसा। ह्या दोन युवकांचे जे जी मर्डर जी जाल्ले आसा की त्यामुळे की समाजाचे मध्ये की हे युवक आसा की आमच्या समाजाच्या दृष्टिकोनातल्यान हुतात्मे आसा, हे या समाजाचे मार्गदर्शक आसा, की अशी स्फूर्त घेऊन फुडलें आंदोलन जर ह्या फुडें जर की सरकारान जर किंवा अशा कोणी जर वाखड्यान दर्जने पळोवपाक जर प्रयत्न केलो जर जायत न्ही की ताजे खर आंदोलन किंवा ताज्यांनी फुडें की संघर्ष करपाच्या मानसिकतेक संबंध समाजाचे युवक समाजाचे लोक फुडें येवपाक लागले। जेन्ना आमी आंदोलनाक अधिकार मागपाक गेले तेन्ना आमच्या दोन मित्रांक त्यांनी मर्डर केलो। जेन्ना आमी हक्क मागपाक गेले तेन्ना तर आमकां हक्क मागपाक अशें तर मर्डर जाले तर आमी ह्या जगाक जगप कशें? हां, म्हणजे तुम्ही थंय कित्याक गेल्ले तर? आमी आमचे हक्क मागपाक गेल्ले। पण हाज्या फाटल्यान एकच तांचो उद्देश आसा की ह्या कम्युनिटीचे ते लोकांचो विकास जावचो न्ही, ते लोक फुडें येवचे न्ही, अशा तरेचे आंदोलन करचे न्ही, अशा तरेचे मोठे षडयंत्र हाजे फाटल्यान आसा। हे आज अनेक ज्यो घडामोडी फाटल्या एक दोन म्हयन्याच्या देड म्हयन्याच्या कालावधीक लक्षांत गेल्यो की ह्या लोकांक दबप, ह्या लोकांचो वापर करप आनी फेकून दिवप, अशाच प्रकारचे षडयंत्र या सगळ्या लोकांनी ठरविले आसा। हाल में हमारे दो नेताओं की हत्या हुई, इसके डर से हम पीछे नहीं हटेंगे, बल्कि हमारे अधिकार और हक के लिए आगे बढ़ते रहेंगे जब तक हमें हमारे अधिकार नहीं मिल पाते हैं। यहाँ के जल, जंगल और जमीन यही हमारी जिंदगी है, और यही हमारे हाथ से गया तो हमारा पूरा अस्तित्व खतरे में पड़ जाएगा। इंडिया हनर्ड के लिए मैं देवीदास गांवकर गोवा से।